हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि इसके पिछली वाली क्लास में हमने करीब 10 क्वेश्चन आपको क्षेत्रफल पर आधारित कराए थे, तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आज हम करेंगे। तो यहाँ पर जैसे पहले क्वेश्चन दिया है आपको कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो अगर हम बात करेंगे समचतुर्भुज की, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वह आपका वो होता है विकर्णों का गुणनफल बटे में आपका 2 होता है। तो यहाँ पर विकर्ण आपको दिए हुए हैं 16 और 12, तो ये आपका बन जाएगा 16 गुणे 12 बटे आपका 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 16 को तो ये 8 बार जाएगा, 12 अट्ठे आपका 96 हो जाएगा। तो यहाँ से 96 वर्ग सेंटीमीटर जो है आपका वो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है 400 वर्ग मीटर है, समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे समचतुर्भुज का, तो जो समचतुर्भुज की अगर बात करें तो विकर्णों पे जो बने योगों का वर्गों का योग होता है वह आपका होता है भुजा स्क्वायर गुणे चार। तो यहाँ लिखेंगे कि 4 गुणे भुजा स्क्वायर बराबर आपका होता है विकर्णों पर बने कोणों वर्गों का योग बराबर आपको यहाँ वैल्यू दी हुई है 400 वर्ग मीटर, तो आपका बराबर 400 हो गया। तो यहाँ से भुजा स्क्वायर निकालेंगे तो 400 बटे में आपका 4 हो जाएगा, 400 को 4 से काटेंगे तो आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ से भुजा स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 100, तो यहाँ से भुजा बराबर आपका आ जाएगा 10 मीटर। तो यहाँ पर हमको भुजा ही ज्ञात करनी थी, तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 मीटर। दिन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि किसी समखटभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, समखटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बात की जा रही है समखटभुज की, तो समखटभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका कि 6√3/4 × भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भुजा आपको जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 12, तो यहाँ आपका बन जाएगा 6√3/4 × 12 × 12। 4 से काटेंगे 12 को तो ये आपका 3 बार जाएगा, 12 तो यहाँ आपका 36 हो जाएगा, और 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 216 आ जाएगा। तो 216√3 वर्ग सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। देन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कुछ है कि 14 सेंटीमीटर भुजा के समखटभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अंतःवृत्त के बात की जा रही है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि समखटभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका कि √3/2 × भुजा। तो यहाँ पर भुजा की वैल्यू हमको दी हुई है क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया √3/2 × 14। 2 से काटेंगे तो ये आपका 7 बार जाएगा, मतलब कि जो त्रिज्या आपकी निकल के आएगी जो वो आपकी आ जाएगी, जो मतलब आर की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 60√3 सेंटीमीटर। देन अंतःवृत्त का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है आपका π r² तो π r² में आप पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 गुड़े r = रखेंगे 7√3 × 7√3। 7 से 7 आपका कट जाएगा, यहाँ √3 से √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 बचेगा आपका, 3 × 7 × 22 हो जाएगा, 22 × 7 = 154 होता है, 154 × 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 462 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 462 सेंटीमीटर² देन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर हैं और इनके बीच की लंबवत दूरी 18 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको पहले दिया हुआ है जो भुजाएं दी हुई हैं, हमको समांतर भुजाएं दी हुई हैं 20 और 25, और बीच की लंबवत दूरी भी हमको दी हुई है कि 18 सेंटीमीटर है। तो अगर हम यहाँ बात करें समलंब चतुर्भुज की, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका कि समलंब का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी बटे में आपका होता है 2। तो यहाँ पर इनके भुजाओं का योग करेंगे तो आपका हो जाएगा 20+25 गुड़े आपका इनके बीच की दूरी होती है, तो गुड़े यहाँ पर आपको 18 दिया हुआ है तो गुड़े 18 हो जाएगा बटे आपका 2 हो जाएगा। 18 को 2 से काटेंगे तो ये आपका 9 बढ़ जाएगा, 20+25 करेंगे तो आपका 45 बन जाएगा, तो 45 × 9 हो जाएगा, 45 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 405 वर्ग मीटर सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका समलंब का क्षेत्रफल आ जाएगा 405 वर्ग सेंटीमीटर।
देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया हुआ है कि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको पहले वृत्त की परिधि दी हुई है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है आपका 2πr, मतलब 2πr की वैल्यू हमको दी हुई है 44। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं, मतलब कि r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमने लिख लिया 2πr इज इक्वल टू 44। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 2×22/7×r=44। 22 से काटेंगे आपका 2 बार जाएगा, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से r की वैल्यू जो है आपकी वो 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन ने वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका कि पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 22/7×r की वैल्यू जो है 7×7 हो जाएगी। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ये 22×7 हो जाएगा। 22×7 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 154, मतलब कि 154 वर्ग सेंटीमीटर। देन यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पर व्यास इक्वल टू होता है आपका 2r, मतलब कि अगर त्रिज्या का दोगुना कर दिया जाए तो वो आपका व्यास हो जाता है। तो यहाँ पर हमको अर्धवृत्त का जो व्यास दिया हुआ है वो दिया है 14 सेंटीमीटर, मतलब 2r=14, तो r इक्वल टू आपका आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम निकालेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2। अर्धवृत्त जो होता है वो वृत्त का आधा वृत्त होता है, मतलब कि ये वृत्त का क्षेत्रफल अभी आपने पढ़ा है कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ अर्धवृत्त की बात की जा रही है, तो वो आपका बन जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो 1/2 × आपको लिखेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7×r की वैल्यू 7 दी हुई है, 7×7 हो जाएगा। 1 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 22 को काटेंगे तो 11 बार जाएगा, 11×7=77 आपका 77 हो जाएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आपके आंसर हो जाएगा। दिन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 35 मीटर दिया हुआ है और 30 मीटर है, इनमें से 5 मीटर भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर क्यारियां पूछी जा रही हैं कि वर्गाकार क्यारियां कितनी बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर हम क्यारियों की संख्या निकालेंगे, तो क्यारियों की संख्या बराबर आपका हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बटे 1 क्यारी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आयत की बात की जा रही है, तो आयत का क्षेत्रफल आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई हमको दी हुई है 35 और 30, तो ये हो जाएगा 35×30 बटे 1 क्यारी का क्षेत्रफल। तो क्यारी जो है आपको क्वेश्चन ने बोला है वर्गाकार है, तो वर्ग का जो आपका क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुणे भुजा। तो भुजा जो है आप 5 दी हुई, तो ये आपका बन जाएगा 35×30/5×5। 5 से काटेंगे तो ये आपका 7 बार जाएगा, ये वाले 5 से काटेंगे 6 बार जाएगा, 7×6=  आपका हो जाएगा 42। दिन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि 40 मीटर लंबे और 28 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्ताकार चबूतरा बना है, चबूतरे को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल कितना है। यहाँ पर वृत्ताकार चबूतरे का व्यास जो दिया है, अगर हम व्यास की बात करें वृत्ताकार चबूतरे की, तो जो व्यास होगा वो आपका पार्क की लंबाई ही तो होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पार्क की लंबाई बराबर आपको दी हुई है 18 मीटर। तो हम चबूतरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो चबूतरे का क्षेत्रफल निकल के आएगा आपका पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ से व्यास दिया हुआ है 28, तो आर बराबर आपका हो जाएगा 28/2, मतलब कि 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर चबूतरे का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 22/7×28/2×28/2। 7 से काटेंगे इसको, 7×28 हो जाएगा, ये आपके 4 चूहे कट जाएंगे। तो यहाँ बचेगा आपका, यहाँ बचेगा आपका 22×28, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ से 2×4, हाँ 22 आपका बचेगा 28, तो 22×28 करेंगे तो 616 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या बोला है, हाँ यहाँ पर क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि चबूतरे को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल निकालना है। तो चबूतरे का क्षेत्रफल आपका जो है वो 616 वर्ग मीटर आ गया। तो पहले हम पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से जो है चबूतरे का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो जो आपका बचा हुआ वाला क्षेत्रफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पार्क का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, पार्क जो है आपका वो आयताकार है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, मतलब 40×28 हो जाएगा।
40 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 1120 वर्ग मीटर। तो चबूतरे को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1120 माइनस 616, 1120 में हम 616 घटाएंगे तो 504 वर्ग मीटर आ जाएगा इस क्वेश्चन के आपका आंसर। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि एक वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर है, इसमें बड़े से बड़े इसमें बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं वर्ग की भुजा की, तो जो आपका वर्ग में जो बड़े से बड़ा जो वृत्त का व्यास होगा वो आपका एक वर्ग की भुजा ही होगा। तो वर्ग की भुजा आपको दी हुई है 28, तो अगर 2r बराबर आपका 28 है तो r इज़ इक्वल टू आपका आ जाएगा 14। तो यहाँ से हम वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पाई इज़ इक्वल टू रखेंगे 22/7 गुड़े आपका हो जाएगा 14 गुड़े 14, 7 से काटेंगे तो ये आपका 2 बार जाएगा, तो 22 गुड़े 2 करेंगे तो आपका 44 हो जाएगा, 44 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। देन बात करेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि एक आयताकार खेत की लंबाई में 25% की वृद्धि की गई, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसका क्षेत्रफल ना बदले। तो अगर हम चौड़ाई में प्रतिशत कमी की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं कि गुड़े बराबर आपका हो जाएगा 100 गुड़े जितनी वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर वृद्धि हो रही है 25 की, तो यहाँ हमने लिख लिया 25 बटे वृद्धि की बात की जा रही है तो इसको 100 में ऐड करके लिखेंगे, अगर कमी की बात की जाएगी तो हम 100 में घटा के लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर वृद्धि की बात की जा रही है तो 100 में हम जोड़ के लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 25 पंचे आपका 125 होता है, 5 से काटेंगे ये आपका 20 बार जाएगा, तो यहाँ पर जो है आपका 20% जो है आपका वो चौड़ाई में कमी करनी पड़ेगी। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर जैसे नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि एक आयताकार प्लाट की लंबाई 10% और चौड़ाई 5% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर दो लंबाई और चौड़ाई की बात की जा रही है आयताकार, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्षेत्रफल में परिवर्तन बराबर प्रतिशत परिवर्तन बराबर आपका होगा 10+5+10×5/100। यहाँ से 5 से काटेंगे तो आपका 20 बार जाएगा, 10 से 10 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 10+5 आपका 15 हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा, 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5, तो ये आपका बन जाएगा 15+0.5, तो 15 और को और 0.5 को ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा 15.5%। तो ये आपकी जो है क्षेत्रफल में वृद्धि आ जाएगी 15.5% की। देन बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की, तो लास्ट क्वेश्चन है आपका कि 75 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े बाग के ठीक बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ा मार्ग बना है, तो मार्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो मार्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा आपका कि जो लंबाई दी हुई होगी और जो आपका चौड़ा रास्ता जो बन रहा होगा वो समांतर जो लंबाई के समांतर जो आपका रास्ता बन रहा होगा उसकी जो वैल्यू दी हुई होगी। तो यहाँ पर लंबाई आपका जो होगा वो होगा 75, तो मतलब 75 गुड़े आपका जो 5 मीटर का चौड़ा समांतर लंबाई के जो बन रहा है वो हो जाएगा, तो ये आपको बन जाएगा गुड़े 5, 75 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 आ जाएगा, तो 375 वर्ग मीटर जो है आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, बाकी जो ये क्वेश्चन हैं वो बाकी बहुत ही बेसिक से हैं, मतलब कि आपको अगर फॉर्मूले आते हैं तो आप इजीली ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बाकी जो भी क्वेश्चन बनते हैं ये आई थिंक आप लिख के लिए ये क्षेत्रफल वाले जो है आपके क्वेश्चन ये सफिशियंट हैं, तो बाकी के जो क्वेश्चन हम हैं आप को आयतन पर आधारित करा देंगे, तो आपके क्षेत्रफल और आयतन दोनों के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।